लास्ट के एपिसोड में आपने देखा हम ग्वालियर फोर्ट यानी कि मानसिंह पैलेस घूमे और वहां के कुछ अनजाने रहस्यों के बारे में जाना। तो आज के एपिसोड को हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे हमारे कालू गाइड के साथ। इस एपिसोड में हम आपको लेके जाएंगे ग्वालियर की मशहूर जगह सूरज कुंड, तेली का मंदिर, सास बहु मंदिर, गोपांचल हिल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तानसेन का मकबरा, सन टेम्पल, गुजारी महल और ग्वालियर से 30 किलोमीटर दूर बटेश्वर, मितावली और पड़ावली। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को सुबह के फेमस ग्वालियर के पोहे के साथ। ग्वालियर में सबसे फेमस आपका ही है? जी जी। तो ये अग्रवाल पोहा सेंटर है ना? जी। कौन से एरिया में पड़ता है कल ये? जी नया बाजार चौराहे। नया बाजार चौराहे पर। तो ग्वालियर का सबसे फेमस यही है, अभी हमने टेस्ट किया आपको दिखाया भी कैसा है, तो सबसे ज़्यादा फेमस यही है। आप आओ इधर घूमने कभी तो यहाँ ज़रूर आना। तो मानसिंह पैलेस में जाने के बाद आप जब इधर आओगे ना तो यहाँ पे ऐसे स्टॉल वगैरह हैं जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, पी सकते हो। तो अभी समझो अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, मतलब फेब का महीना चल रहा है, तब ऐसी गर्मी हो रही है और गर्मियों में क्या ही हाल होता होगा। तो अभी हम इसके बाद जाएंगे कौन सा, सास बहु मंदिर और फिर तेली का मंदिर। तो अभी हम सास बहु टेम्पल से पहले ये पड़ेगा आपको, तो हम यहाँ आ गए, इसके बाद जाएंगे सास बहु टेम्पल। तो ये कौन सी जगह है? ये जगह जो देख रहे हैं ये राजा सूरज कुंड का टैंक है। हाँ, यह राजा सूरज सेन 6वीं शताब्दी में शिकार खेलने के लिए आए और शिकार खेल के थक गए। उनको इस पहाड़ी पर कहीं पानी पीने के लिए नहीं मिला। अच्छा। यहाँ एक साधु रहा करते थे जिनका नाम था गाल ऋषि। जैसे उनने पानी की परमिशन दी वैसे राजा सूरज सेन ने उस पानी को टच करा, उनका कुछ स्ट्रोक ठीक हुआ। इस नाम से इस पहाड़ी को तोड़ा गया, बड़ा तालाब बनवाया गया जो राजा सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये देख रहे हैं आप गालब जी की समाधि बनी हुई है। अच्छा ये है, इस ग्वालियर का नाम ना कि ग्वालियर था, ग्वालियर का नाम था। यहाँ पे समाधि भी बनी हुई है उनकी, ग्वालियर पास से ग्वालियर कर दिया गया यहाँ के वासियों ने। और ये फोर्ट जो है बाउंड्री वॉल 11 किलोमीटर के अंदर में है। अच्छा, मॉन्यूमेंट कैंपस पूरा का पूरा जो है पूरा के। तो गाइज ये जो ग्वालियर फोर्ट और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं घूमने लायक, इस पूरे का जो आप सर्कल देख, सर्कल क्या बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा जो एरिया है ना वो 11 किलोमीटर के उसमें फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। पहला फोर्ट कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर के एरिया में, सेकेंड फोर्ट राजस्थान, तीसरे नंबर का किला ये, थर्ड लार्जेस्ट ये वाला ही अपने इंडिया में। तेली का मंदिर है ना जी। तो फाइनली अभी हम जो दूसरी जगह पे आए हैं वो है तेली का मंदिर, और यहाँ से व्यू ये है पीछे मेरे गेट, और ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये बस इतना ही है, अभी पास से भी आपको दिखाएंगे। तो पहले इसके बारे में आप जान लो ये क्या है। ये तेली का मंदिर है, पद्मपाल वीरभोज ने बनवाया था 9th सेंचुरी में, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में है, 30 मीटर लॉन्ग में है, और विष्णु जी का मंदिर है, और अंदर आप 17th सेंचुरी में ऑरेंज जेसब काल में सारी मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं। मंदिर में अंदर कुछ भी नहीं है, साउथ कार्विंग है, केवल एक राउंड लगा सकते हो आप जाके देख के। तो अभी आपको हम दिखाते हैं अंदर से कैसा है, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो आप सोच रहे होगे मेरे व्लॉग में मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, तो जब पता ही नहीं है हमें तो हम क्या ही बोलेंगे। कालू भाई को सब पता है तो वो बता रहे, आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो गया है। तो यहाँ आप अंदर आओ तो अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कहा जाता है विष्णु जी का मंदिर है, लेकिन अंदर टोटली डार्कनेस है और एक बहुत ही बैड स्मेल आ रही है इसके अंदर। वो मतलब पुरानी जो भी मॉन्यूमेंट एंशिएंट जगह होती है वहाँ पे जो एक स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल यहाँ पे आ रही है, और अंदर कुछ भी नहीं है। बाहर के आर्किटेक्चर आप देखोगे ना तो ये साउथ इंडियन क्रेविंग के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरफ है तेली का मंदिर और इसके एग्जैक्ट सामने अगर तो वो गुरुद्वारा वहाँ पर बना हुआ है जहाँ पे अभी हम विजिट करके आपको दिखाएंगे। तो वो गुरुद्वारा जो है वो थोड़ा नया है, 1968 में मतलब प्लांटेशन हुआ, बनाया था उसको, और जो कौन थे यहाँ के गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह को कैद करके रखा था, तो उनकी याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया था। तो फाइनली अभी हम जो आए हैं जगह पे वो है सास बहु मंदिर, ये रहा, एक यहाँ पे टेम्पल है और एक वहाँ पे टेम्पल है। तो अब तक जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रैविंग मतलब मस्त वाला एकदम मेरे को दिखाया ना वो ये है सास बहु टेम्पल जो है ना, इसकी आर्किटेक्ट भाई साहब एक नंबर है, फुल मज़ा आ गया अंदर से। मैं देख क्या है, आपने देखा सिनेमेटिक शॉट में, मस्त है। अभी दूसरा वाला वो है वहाँ का आपको दिखाते हैं अब चलो।
तो ये पीछे जो आपको मंदिर दिख रहा है वो अभी हमने दिखाया, और ये दूसरा वाला मंदिर है, और ये शिव जी का है और वो विष्णु जी का था ना जी, वो विष्णु जी का मंदिर था, ये शिव जी का मंदिर है। उसको शास्त्र बोला जाता है और इसको बहु बोला जाता है ना। शास्त्र बहु नाम है इनका, राजा महिपाल के द्वारा बनाए गए 11वीं शताब्दी के मंदिर हैं। राजा महिपाल की जो माँ थी वो विष्णु जी को मानती थी, उनकी वाइफ जो थी वो शिव जी को मानती थी। थोड़ा सा हम कैमरा इधर को टर्न करेंगे, थोड़ा सा बीचों बीच में आएंगे, जो वाइट बिल्डिंग दिख रहा है बीचों बीच के अंदर में, वाइट बिल्डिंग, जो वाइट बिल्डिंग दिख रहा है हाँ वो जय विलास पैलेस है। गाइज आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा पर जय विलास पैलेस भी हम घूमने जाने वाले हैं, तो वो भी आपको इसी एपिसोड में मिलेगा। जय विलास पैलेस भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से मतलब जय विलास पैलेस दिख रहा है तो व्यू दिख रहा है, केवल व्यू यहाँ से दिख रहा है सिर्फ जी। हम वहाँ भी जाएंगे, और अभी यहाँ का कवर हो गया है हमारा शास्त्र बहु टेम्पल, लेकिन सास बहु टेम्पल इसको अभी लोग बोलने लग गए हैं। एक्चुअल नाम था शास्त्र बहु, नाम था सास बहु बोलने लग गए। तो सास बहु जो टेम्पल है यहाँ से भी ग्वालियर सिटी का व्यू आता है। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये जो दोनों जगह है, सास बहु टेम्पल और मानसिंह पैलेस, तो ये दोनों क्या है कि फोर्ट के एकदम एज पे हैं। तो जो एज की वजह से फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ से जो आपको ग्वालियर सिटी का व्यू देखने को मिलेगा ना, पूरा पूरा यहाँ से देखने को मिल जाएगा, यहाँ से दिख रहा है और वहाँ से उस बाउंड्री के उधर भी दिखेगा, वहाँ से उस बाउंड्री के उधर भी दिखेगा, तो यहाँ से पूरा का पूरा मतलब आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ हमने ये जो पूरी जगह घूमी है ये सारी, हमारे पास बाइक थी, हमने बाइक पर घूमी है। अगर आप चाहो तो आप ऑटो रिक्शा वगैरह में भी घूम सकते हो, यहाँ पे अंदर चलते रहते हैं तो बाइक से काफ़ी इजी पड़ गया। और बाइक मैंने चलाई नहीं क्योंकि मेरे को अंदर के रास्ते नहीं पता थे, तो कालू भाई ने बाइक चलाई है, उनको रास्ते पूरे पता थे। तो अभी हम यहाँ पे रुके थे रास्ते से, जब आप डाउनहिल जाओगे या जब आ रहे होगे तब भी आपको ऐसे नज़ारे दिखेंगे। तो यहाँ पे ये जैन बुद्धिस्ट वगैरह का मतलब बना हुआ है यहाँ पे स्टैचू, जो कि माउंटेन के अंदर क्रेविंग की गई है। अभी वहाँ पे मैंने सिक्योरिटी से पूछा तो सिक्योरिटी ने मेरे को ऐसा बोला कि यहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है अभी टूरिस्ट को। तो हम यहाँ से बाहर से ही व्यू ले रहे थे, कुछ ऐसा व्यू है, देखो माउंटेन को ऐसे कट करके बनाया है, और ऐसा ही व्यू अभी गोपाचल हिल पे भी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। गोपाचल हिल, और ये गोपाचल हिल जो बनी है वो 7th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में बनी थी, और 1527 में जब बाबर मुग़ल रूलर जो अपने इंडिया में जब वो आए थे तब इन मॉन्यूमेंट्स के जो केव और जो फेस है बुद्ध जी का उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। आपको पास से दिखा देता हूँ, देखो वहाँ पे वो जो फेसेस हैं एक बचा हुआ, बाकी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने हैं, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था। तो यहाँ की जो कारीगरी है ना वो भाई साहब बहुत ही मस्त की गई है उस ज़माने में समझो। ऊपर वहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह के भी स्ट्रक्चर हैं, और यहाँ पे मतलब बुद्ध जी बैठे हुए हैं, बहुत ही मस्त। यहाँ से सिटी का व्यू भी आता है, दिखाता हूँ आपको। बेसिकली ये सारी जो भी चीज़ें अभी तक आपको हमने दिखाई हैं ये सारी की सारी चीज़ें एक ही हिल पे हैं, मतलब जो ग्वालियर फोर्ट जिस हिल पे है ना ये सारी चीज़ें उसी पे ही हैं। तो यहाँ पे थोड़े से हमको बच्चे मिल गए थे, तो उन्होंने हाथ में ये ट्राईपॉड वगैरह देखा तो वो पूछने लग गए कि भाई आप यूट्यूबर हो, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल। फिर पता है वो क्या बोलते, हमारी एक फ़ोटो खींच दो, ये नहीं पूछा चैनल का नाम क्या है, पूछते फ़ोटो खींच दो, तभी उनकी फ़ोटो खींच देते हैं। ये रहे वो बच्चे दो, ये बेटा आपका नाम? मेरा नाम दीपू जैन है। और आपका? मेरा नाम जतिन जैन है। और वो भाई साहब वो पहले से ही पोज देने लग गए फोटो खींचने, तो इनकी फ़ोटो खींच देते हैं हम, फिर आपसे मिलते हैं। भाई साहब पूरा पूरा मज़ा आ गया यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है ना अंदर से, क्या ही बताओ आपको। बच्चे मिल गए, चैनल पूछा, चैनल सब्सक्राइब किया, फिर बच्चे बताए क्या बोलते हैं, भैया हमारे साथ फ़ोटो खींच लो, आपका चैनल बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास आपकी फ़ोटो होगी। वर्ड नहीं है मेरे पास। और अभी हम जा रहे हैं होटल पे, अभी आज कुछ भी नहीं घूमना। अब जो भी आपको क्लिप मिलेगी, जो भी चीज़ें मैं घूमूंगा वो कल के इसी व्लॉग में मिलेगी, पर कल। तो गाइज आज हमारे यहाँ ग्वालियर में नेक्स्ट डे है, तो पीछे आपको दिख रहा होगा मेन रोड है, और यहाँ पे ये गेट है, और गेट के एग्जैक्टली सामने जो है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहली प्लेस जो हमें विजिट करनी थी वो यही है, इसके बाद हम जाने वाले जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस वहाँ पे, तो वहाँ से आप अंदर एंट्री करोगे,
तो अंदर आप एंट्री करोगे वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम अंदर नहीं बना पाए। सिर्फ आप जा सकते हो अंदर, देख सकते हो चीज़ों को, कैमरा अलाउड नहीं है। पहले अलाउड था, अब अलाउड नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है। तो अंदर का हम दिखा नहीं सकते, पर मस्ट विजिट प्लेस है, तो आप जा सकते हो। तो अभी हम आए थे सन टेम्पल पे, तो ये ओरिजिनल सन टेम्पल नहीं, जो ओरिजिनल सन टेम्पल है उसका ये कॉपी है, और ये 30-35 साल पहले बना था। तो अभी हम आपको इसका व्यू दिखाते हैं, ये पीछे ऐसा कुछ दिख रहा होगा, तो पास से आपको दिखाते हैं कैसा है ये। यहाँ पे अगर आपको एक डिटेलिंग दिखाओ, तो ये जैसे शिव पार्वती जी की मूर्ति है तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिव पार्वती, नीचे सरस्वती जी की मूर्ति है तो लिखा हुआ है सरस्वती, एंड देन यहाँ पे वाल्मीकि जी की है तो वाल्मीकि, ऐसे समझ के चलो आप, जितने भी गॉड्स हैं उन सबका नाम लिखा हुआ है, और छोटे छोटे उनके स्ट्रक्चर है पूरे मंदिर के वॉल के अराउंड। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है सन टेम्पल, 35 ईयर ओल्ड है, और जो ओरिजिनल सन टेम्पल है उसका कॉपी है ये। गाइज अभी हम टॉम्ब ऑफ तानसेन आए हैं, और ये पीछे जो आपको दिख रहा होगा ये वही जगह है टॉम्ब ऑफ तानसेन। तानसेन आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो एक बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन थे उस टाइम पे। तो आज भी दिसंबर के महीने में एक म्यूज़िकल फेस्टिवल होता है, जहाँ पे तानसेन के मतलब एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है उस म्यूज़िक फेस्टिवल में। और जो तानसेन थे वो अकबर के वन ऑफ द मोस्ट मतलब करीबी, उनके कोर्ट में जो गाते थे वो थे तानसेन। तो ये वो जगह थी, ये हमने कवर कर ली, अगर आप आओ तो यहाँ ज़रूर आना। तो गुजारी महल का मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाने के लिए इधर इतनी चढ़ाई करके आया, क्योंकि वो महल ऐसा है कि मतलब ऊंचाई पे है, तो मैं आपको ऊपर से व्यू नहीं दिखा सकता। उस महल के बीचों बीच में क्या है कि म्यूज़ियम बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रखी, और छोटे छोटे कमरे हैं, तो उन कमरों के अंदर भी मतलब बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो 20 रुपये टिकट है, और कैमरा अगर आप लेके जाना चाहते हो फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल से या कैमरे से, तो 100 रुपये अलग से चार्ज है। हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। थक गया मैं, बताता हूँ कितना ऊपर चढ़ गया। शहर दिख रहा है आपको, इधर तक चढ़ के आया मैं, और ये वो गुजारी महल है। सो गाइज अभी हम जिस प्लेस पे आए हैं उस प्लेस का नाम है बटेश्वर, जो कि ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप ग्वालियर घूमने आते हो, एक स्कूटी बाइक वगैरह अगर आप हायर कर सकते हो तो हायर करके आप यहाँ ज़रूर घूमने आना, कि बहुत मस्त जगह। 8th से 9th सेंचुरी के बीच में इन टेम्पल्स को बनाया गया था, और यहाँ पर शिव जी का और विष्णु ब्रह्मा ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल है। तो अभी मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। अभी तो मतलब जो एरिया में खड़ा हूँ यहाँ पार्किंग है, बाइक खड़ी कर दी है, और यहाँ से ये जो आपको पूरा जंगल दिख रहा है ना, तो ये पहले पूरा का पूरा जंगल हुआ करता था 2005 में इस जंगल को काट के, और फिर यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो मतलब क्लियरली दिखाई देने लग गए, और लोगों के लिए अब ये एक टूरिज्म प्लेस बन गई है। ये देखो यहाँ पे इतने सारे ये टेम्पल है, और यहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति है, एंड इस साइड में बहुत सारे टेम्पल हैं, और जो मेन वाला आपको दिखाया हमने वो वहाँ पे है शिव जी का, जहाँ पे आज भी पूजा होती है। और ये इसके अगर आप पीछे तरफ उधर उधर सब जगह देखोगे तो पहाड़ी से घिरा हुआ है बटेश्वर, बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे। सो गाइज अभी हम हैं गढ़ी पड़ावली में, तो यहाँ हम आए थे घूमने के लिए, अगली डेस्टिनेशन बटेश्वर से 1 किलोमीटर दूर ही है। तो यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो, और ये कुछ इतना ऐसा है नज़ारा, धूप उस साइड है तो मे बी क्लियर दिखेगा नहीं। अभी हम अंदर जाके फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा है गढ़ी पड़ावली। बटेश्वर आपने देख लिया होगा, यहाँ से ये सीढ़ियाँ इतनी सारी हमें चढ़नी पड़ेंगी भाई साहब। तो गढ़ी पड़ावली के अंदर आप जब आओगे तो आपको अंदर बेसिकली कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। एक वहाँ पे बस मैं अगर बता दूँ तो ऐसा नज़ारा है अंदर यहाँ पे, और ये एक मेन स्ट्रक्चर बस ये आपको दिखेगा यहाँ पे देखने को पड़ावली में। ओके उस तरफ हम एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या है एक्चुअली में, और ये सारी चीज़ें तो आपको दिख रहा होगा, ये सब बंद पड़े हुए हैं और अंदर कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान पड़ा है। यहाँ से ये नीचे कुछ ऐसा खड्डे जैसा,
और यो हो तो भाई साहब यहाँ है कुआं। अचानक से देखा और डर गया क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा था ना, पागल हूँ मैं, कैमरे में मैं देख रहा था, वहाँ नहीं देख रहा था। जब वहाँ नज़र गई ना डर गया मैं, क्योंकि मैं आप समझो मैं कैमरे में देख रहा हूँ ऐसे करके मेरी ऐसी नज़र गई, दिखाई दिया ये ऐसा खड्डा। बाप रे बाप रे, ये कुआं है, कुआं जो आपको दिखाया था ना तो कुएं का वहाँ से ये है और ये हाइट कुछ ज़्यादा की है और उधर भी वो भी कुआं ही है और अंदर का मैंने जो दिखाया आपको ये सीन और बाकी सारा खाली पड़ा हुआ है। अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है मितावली। पहाड़ आपको दिख रहा है ना, उस पहाड़ के ऊपर ही है मितावली और ऐसा कहा जाता है कि ये मितावली का जो आपको सर्कुलर डिज़ाइन दिख रहा होगा तो जो इंडिया का पार्लियामेंट है जो दिल्ली में है वो कहीं ना कहीं यहीं से इंस्पायर्ड है ऐसा कहा जाता है। तो अभी हम इस रास्ते से ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर जाके आपको बताते हैं। बाकी ये रास्ता तो अभी फिर भी ठीक है, बाकी का जो पूरा रास्ता मैं आया हूँ ना वो रास्ता तो भाई साहब पूरा गड़बड़ गड़बड़। मतलब अगर आप ये जगह आओगे ना मितावली पड़ावली और ये मितावली पड़ावली और बटेश्वर, तो इन जगह पे रास्ता ऐसा उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी इलाका है, ऊपर नीचे और उसमें भी कहीं जगह पे रोड बने कहीं पे नहीं बने, तो गिट्टियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो थोड़ा आप चलाने में थोड़ा माहिर कोई इंसान हो। गाइस अभी सीन ऐसा है कि हमको यहाँ से लेके वहाँ तक चढ़ के जाना है और बहुत ज़्यादा हाइट है और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ पहले से ही। देखो वहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं और वहाँ से चढ़ चढ़ के हमको उधर जाना है, इतना चढ़ने में तो वाट लग जाएगी। चलोगे बेटा मेरे साथ? मेरा साथ दे दो क्योंकि हम तो अपने सब्सक्राइबर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ग्वालियर की। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चाहिए मेरे को लाइक, चाहिए सब्सक्राइब करो नहीं करो लाइक चाहिए। गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद ऊपर पहुंच गए, कुछ ऐसा व्यू है, अच्छे से दिखाता हूं आपको अभी। तो आप यहां पे पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके क्योंकि मेरी पूरी पूरी वाट लग गई लिटरली, मेरी बॉटल में पानी भी ख़त्म है बॉटल में और नहीं सबदार है। हम अंदर आ गए वैसे तो ये देखो पूरा जो सर्कुलर डिज़ाइन है ना, बैठता हूँ मैं। ओ भाई सब भाई सब भाई साहब, यहाँ पे देखो शंकर जी की मूर्तियाँ हैं हर एक पे, इफ यू सी, तो ऐसे मतलब पूरे सर्कुलर में मूर्तियाँ मूर्तियाँ हैं। अभी बीच में जाके देखते हैं बीच में क्या है। ओके तो यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है एक जो बीच में है और चारों साइड छोटे छोटे शिवलिंग है एंड सेंटर में ये मेन शिवलिंग है। जय भोलेनाथ। ये देखो भाई साहब ये वाली भी घंटी बज रही है। जय भोलेनाथ, शक्ति देना, ये वाला व्लॉग वायरल कर देना, हमको यही चाहिए। थक गए मैं इतने बार बोल रहा हूँ कि आप सुन के आप थक गए होगे लिटरली। ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर कवर किया रास्ता एंड देन 35 किलोमीटर कवर करने के बाद पहले हम गए बटेश्वर, वो भी थोड़ा हाइट पे पड़ावली एंड देन यहाँ, ये तो बहुत ही हाइट पे, मतलब थकान हो रही है और ये बैग और हेलमेट का वेट अलग, व्लॉग कर रहा हूँ बोल रहा हूँ अलग, प्यास लग रही है अलग, बॉटल में पानी ख़त्म अलग। तो हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसका डिज़ाइन यहाँ से लेके बनाया गया, मतलब और ये जो इलाका है ना मितावली, ये काफ़ी ज़्यादा रिमोट इलाके में, मतलब गाँव 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 अंदर 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 होके आना पड़ता है, तो समझ के चलो ये इतना अच्छा मॉन्यूमेंट है, इसका इतना अच्छा डिज़ाइन है कि यहाँ से उठा के दिल्ली का पार्लियामेंट बनाया गया था। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊँगा तब आपको समझ में आएगा। देखो अब ये देखना और इसके साइड में आप पिक्चर रखना दिल्ली के पार्लियामेंट की, सेम टू सेम है। अगर हाइट से मैं आपको दिखा पाता ना तो दिखाता तो आपको ज़्यादा समझ में आता अच्छे से, एकदम बहुत मस्त है। अगर आप ग्वालियर घूमने आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मितावली पड़ावली और बटेश्वर, ये तीन जगह आप ज़रूर आएँ। 35 किलोमीटर दूरी पड़ती है यहाँ से, क्योंकि अगर आप ग्वालियर आ सकते हो तो थोड़ा दूर और एक्सटेंड करके यहाँ तक भी आ सकते हो। दूर है थोड़ा, टाइम लगेगा, रास्ते थोड़े इतने अच्छे नहीं हैं, बट इट्स वर्थ। आप यहाँ आओगे तो मज़ा आएगा, मैं अकेले आया हूँ तो मज़ा आया, अगर आप ग्रुप में आओगे दोस्तों के साथ तो मज़ा आएगा। I'm so happy.